जिसके जिसके राहुल गांधी का धर्म पता नहीं है वो मुझसे कौन पूछने वाले, मेरा धर्म लोग जानते हैं। कौन से धर्म ग्रंथ में या कहां पे लिखा हुआ है कि भगवा हिंदुओं की पहचान है? आज तक राहुल गांधी का धर्म कोई नहीं ढूंढ पाया। पारसी के घर में कैसे हिंदू पैदा हो गया? मेरे दादा जो फिरोज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं धूर्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं पाखंडी नहीं हूँ। मैं मेरे दादा परदादा का नाम बताने को तैयार हूँ। मेरा राहुल गांधी के दादा परदादा फिरोज गाली है, ये फिरोज कौन सी गाली? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दैट डिबेट शो। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने प्रेम शुक्ला जी को चैलेंज दिया और पूछा कि आप बताएं कौन से ग्रंथ में लिखा है कि भगवा रंग हिंदुओं का है। अब दोस्तों, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने पूछ लिया कि आप पहले ये बताइए कि फिरोज के घर हिंदू कैसे पैदा हो गया। अब दोस्तों, उसके बाद डिबेट बड़ी जबरदस्त हुई। आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए। आप बारंबार जो है ये दिखाइए मत कि आपका चरित्र और आपका जो है संस्कार क्या है, आपकी पार्टी का चरित्र अपना संस्कार मत दिखाइए। आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं बताइए तो, इतनी तकलीफ क्यों? आप कौन है ये पूछने वाली? मैं हिंदू हूँ। जिसके जिसके राहुल गांधी का धर्म पता नहीं है वो मुझसे कौन पूछने वाले, मेरा धर्म लोग जानते हैं। मेरा धर्म लोग जानते हैं, मेरा धर्म घोषित है। मैं राहुल गांधी की तरफ बहुरूपिया थोड़ा हूँ, मैं राहुल गांधी की तरह बोगला हूँ, मैं बहुरूपिया हूँ। नहीं, मैं राहुल गांधी की तरह बोगला हूँ, मैं एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके झूठा एक एक करके। मैडम मैडम वन सेकंड मैडम, मेरा मेरा राधिका जी, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल था आपसे। गला कट भी जाएगा लेकिन हम आरएसएस के दफ्तर नहीं जाएंगे, आपने बोला। मैं भी रिपीट करती हूँ, लेकिन बुला कौन रहा है? मेरा पॉइंट ये है कि आरएसएस ने न्योता नहीं दिया, आरएसएस ने फोर्स नहीं किया, बीजेपी ने कहा नहीं है, तो ये बात कहां से आती है कि हमारा गला कट जाएगा, हमारे इसके दफ्तर नहीं जाएंगे? इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट और इसका कोई लिटरली मीनिंग है, दैट्स माय पॉइंट। अमीश जी, आप लोगों को प्रेस वार्ता देखनी चाहिए थी ना, कि सवाल क्या पूछा गया, किसके साथ चलने की आरएसएस को लेकर सवाल हुए, उन्होंने जवाब दिया। सवाल भी तो देखे ना कि क्या पूछा गया था। फिर से मैं बोलूंगी, मेरा धर्म हिंदू है। मैं नहीं जानती प्रेम भाई साहब कौन से धर्म से आते हैं, वो बेहतर जानते होंगे। मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू है, सनातनी आप है। हर इंसान अपने गर्व से बताता है, ठीक है, अगर सनातनी है तो कौन से धर्म ग्रंथ में या कहां पे लिखा हुआ है कि भगवा हिंदुओं की पहचान है? कहां लिखा है? कौन से रंग, क्या भगवा रंग हो या कोई भी रंग, वेद पुराण उठा लीजिए, कोई भी चीज उठा लीजिए, कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ कुछ भी उठा लीजिए, कहां लिखा है कि भगवा हिंदू की पहचान है? आज ये चैलेंज है, बताइए। मैं बता रही हूँ ये कहीं नहीं लिखा। पहचानना और रंग के नाम पे बोलना बंद करिए। हिंदू धर्म की पहचान ठीक है, अब प्रेम शुक्ला की बारी है, प्रेम शुक्ला की बारी है। लेकिन लेकिन ये सैफरन को लेकर, भगवा को लेकर पूर्वती सरकारों ने भी बहुत कुछ कहा था, उस पर भी सवाल उठेगा। लेकिन लेकिन ओके ओके, प्रेम शुक्ला जवाब, प्रेम शुक्ला जवाब। एक धर्म ग्रंथ जी, देखिए मेरा धर्म तो स्पष्ट है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन आज तक राहुल गांधी का धर्म कोई नहीं ढूंढ पाया। दत्तात्रेय गोत्र कोई नहीं ढूंढ पाया, कहाँ होता है कौन दत्तात्रेय गोत्र? जवाब बताइए तो राहुल गांधी का धर्म पहले पता लगा लीजिए कि फिरोज गांधी के घर में जो है कैसे हिंदू दत्तात्रेय गोत्र कैसे पैदा हो गया, ये भी जरा बताइए ना। ये विज्ञान के किस जो है प्रसायन से एक पारसी के घर में कैसे हिंदू पैदा हो गया, जरा इसका शोध लगा के बताइए। मेरा धर्म तो स्पष्ट है, मैं नाम को शुक्ल गर्भ गोत्री मैं हूं, मेरा गोत्र स्पष्ट है, मेरा सूत्र स्पष्ट है, मेरा कोई उसमें जो है। लेकिन राहुल गांधी जैसा पाखंडी फिरोज गांधी के घर में दत्तात्रेय गोत्र वाला कैसे पैदा हो गया, ये सारा कांग्रेस मिलकर सिद्ध कर दे। देखिए दत्तात्रेय गोत्र कौल गोत्र वाला पाखंडी धूर्त यही कह सकता है इस तरह की बात? फिर मेरे दादा जो फिरोज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, संभव नहीं है। मेरे दादा इस्माइल हो सकते हैं क्या? मेरे दादा बोमन जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि मैं धूर्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं पाखंडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं नौटंकी धर्म की नहीं करता, क्योंकि मेरा धर्म स्पष्ट है। लेकिन जिनका धर्म जो हिंदुओं को गालियां दे रहे थे, अब भगवा रंग पर पूछ रही हैं, तो ये सुशील कुमार सिंधे से पूछिए ना कि हिंदू आतंकवाद को भगवा आतंकवाद क्यों कह रहे थे? ये भगवा शब्द जो है वो इटली से लेके आए थे क्या? रोम से लेके आए? वेटिकन वालों ने भेजा था? कहां से ले आए जरा बताइए मुझे। और भगवा त्याग और बलिदान का रंग है, पूरा कर ले, भगवा समर्पण का रंग है, और हिंदुत्व जो है त्याग बलिदान और समर्पण की हमेशा कदर करता है। ये कोई तरीका हो रहा है नहीं, मुझे बताइए ना आप मेरा
धर्म पूछा है कि ना, राहुल गांधी का धर्म बताइए ना, बताइए वो पारसी के घर में हिंदू कैसे पैदा हुआ, बताइए ना आपकी हिम्मत हमारा धर्म पूछा है कि ना, मैं मेरे दादा परदादा का नाम बताने को तैयार हूँ, मैं राहुल गांधी के दादा परदादा का नाम बताइए ना, आप ही पूछ रही थी ना, भाषा 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 का ध्यान रखें आप लोग, मैं मेरे दादा परदादा मैं गर्व से लेकर पंडित रामचंद्र शुक्ल मेरे पिता माता की सबकी मैं कुल गोत्र का बताने को तैयार हूँ, लेकिन बताओ राहुल गांधी भाषा भाषा का ध्यान रखें, पारसी के घर में हिंदू कैसे पैदा हुआ, सूर्योदय इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी सवेरे सवेरे निकल पड़ते हैं, नहीं तो सूर्योदय ही नहीं होता राधिका जी, अब क्या कहें, ये तो राहुल जी की कृपा है कि यहाँ पर गर्मी सर्दी मौसम इत्यादि परिवर्तित हो रहे हैं राहुल जी के नाते, नहीं तो यहाँ मौसम भी क्यों परिवर्तित होते, आपकी तो ये दशा है, आप लोग ये बस इतना ही कहना बाकी है कि ये सृष्टि इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी है। देखिए सबसे पहली बात जो ये चीज दिख रही है ना, जिस तरीके से जो अभद्र भाषा, चाहे राहुल जी को गाली देना हो डिबेट के शुरुआत में जिसपे आपको आपत्ति नहीं हुई, चाहे अभी भी बिकाऊ और ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देखिए अमित जी मैं इनके बीच में नहीं बोली, जरा बताइए मुझे, बताइए आप झूठ बोल रही है ना, इसलिए मुझे बताओ कौन सा शब्द गाली, अमित जी बताइए, अमित जी गाली क्या मैंने दी बताइए, फिरोज के पोते नहीं है वो, मुझे जब मैं फिरोज के पोते नहीं है क्या, वो विषय नहीं है प्रेम, फिरोज उनके दादाजी का नाम नहीं है क्या, उनके दादाजी का नाम फिरोज नहीं है क्या, अच्छा मेरा निवेदन है फिरोज का नाम मैंने बिछड़ के, अच्छा एक सेकंड एक फिर आप नहीं ना, फिरोज किस भाषा की गाली आप बताइए, नहीं फिरोज फिरोज को, अरे भाई वो क्या 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 क्या, फिर कैसे वो कह रहे हैं गाली है, और कौन सी गाली दी मैंने, यही कहा ना फिरोज का पोता जो है, अच्छा एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी मेरा निवेदन मान, आप बदतमीजी करते हैं, ये आप फिरोज को गाली समझ रहे हैं, अमीजी ये गाली है, फिरोज गाली है, फिरोज गाली है, अमीजी ये फिरोज कौन सी गाली है, अच्छा मेरा मेरा मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों अब ये समय आ गया है कि हिंदुओं को ये साबित करना पड़ेगा और कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि भगवा रंग हिंदुओं का है। अब दोस्तों ये प्रवक्ता कांग्रेस को और कहाँ तक लेके जाएंगे इसका कोई अनुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल है। खैर दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।